व्हाट्सएप तो ये ना। हाँ जी, ये चैट Dear students, I am Dr. Numan, senior demonstrator of pathology, and we are going to start the respiratory system. This is the first lecture of your respiratory system, and I will introduce you about this system. Okay, this is a simple introductory lecture of the respiratory system. Now, as you know, यार ये sound क्यों होता है? बदल तो ना sound क्यों नहीं बन? Now, let's first start with the anatomy. As you know, the respiratory system comprises of lungs and bronchioles. ठीक है, यही दो चीजें होती हैं. Lungs आपको पता है दो two there are two types of lungs. एक right side पे जो होता है इसके अंदर three lobes होते हैं. जो left side का होता है उसमें two lobes होते हैं. बाकी उसकी detail में मैं नहीं जा रहा, उसकी आगे detail क्या है. And then there are respiratory channels. उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. ठीक है, अब ये जो ये आपको इलम है कि पहले ट्रेकिया होता है, देन ब्रोंकस होता है, फिर वो ब्रोंकस आगे डिवाइड हो जाते हैं इनटू द मेन ब्रोंकस, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. ठीक है, वहां से प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता किया जाता है कि इनकी इनका साइज जो है वो छोटा होता जाता है. अच्छा, साइज छोटे होते होते ये टर्शरी एंड देन दे ओपन टू इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे ओपन इनटू द एल्वियोलाय. ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके फर्दर कंपोनेंट्स क्या है. इसका मेन थीम क्या है, ये सारे ये जो चैनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेकिया से शुरू होके या आप कह लगे आपके नोज से शुरू होके ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली एयर लेके जा रहे हैं और ये एयर पहुंच रही है एट द एंड इनटू द एल्वियोलाय. स्मॉलेस्ट जो कंपोनेंट है इसका एनाटॉमिकल कंपोनेंट, दैट इज एल्वियोलाय. और एल्वियोलाय वो एरिया है जहां पे एक्सचेंज होनी होती है किसकी, एयर गैसेस. ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है और इस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो पूरी बॉडी में फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है. And that's why we are living. So this is the channel. ये आप देख रहे हैं जहां से ये ऑक्सीजन मूव होगी और एट द एंड यहां पर आएगी और फिर वो क्रॉस करेगी एल्वियोलाय को और हमारी ब्लड में शामिल हो जाएगी. और उसी तरह ऑपोजिटली ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाय में क्रॉस होंगी और फिर इसी चैनल के थ्रू वो एक्सहेल हो जाएंगी. ठीक है, ये वो चैनल है, ये आपको नजर आ रहा है, यही मैं अभी बात कर रहा था. ठीक है, ब्रोंकियल ट्री क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, फर्दर इसे देख लें ब्रोंकस, फिर भी ये ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. विद द पैसिव टाइम क्या होता जाता है, इनकी इनका साइज जो है वो कम होता जाता है. ठीक है, आगे हम देखेंगे हिस्टोलॉजिकली भी एक चेंज आती है, लेकिन मैं अभी एनाटॉमिकली बात कर रहा हूँ. इनका साइज जो है वो कम होता जाता है, फिर टर्शरी ब्रोंकस एंड देन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल और उसके बाद फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. द लास्ट कंपोनेंट बिफोर एल्वियोलाय इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड देन द एल्वियोलाय. ठीक है, जो जिसके अंदर एल्वियोलर सैक वगैरह. ठीक है, तो ये जो ट्रेकिया से स्टार्ट होता है या नोज से आप कह लें कि नोज से जो पूरा ये पैसेज एयरवे स्टार्ट होता है यहां से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, दिस इज कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी चैनल का.
कंडक्टिंग पार्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी गैसेज यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनकी एक्सचेंज नहीं हो रही विद द ब्लड, एक्सचेंज नहीं हो रही। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एयर को आगे लेके जा रहे हैं, एयर को कंडक्ट करवा रहे हैं, एयर का चैनल है, ट्रांसपोर्ट चैनल है, इसलिए हम इसे कंडक्टिंग चैनल्स बोल देंगे। रेस्पिरेटरी चैनल्स जहां पे एक्चुअली जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एरिया, वो क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड द एल्वियोलर सैक, ये एल्वियोला, यहां पर ये है मेन एरिया जहां पर एक्चुअली उसका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम हिस्टोलॉजिकली बात करें तो ये जो मेन ब्रोंकस था हमारा, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया में भी यही है और ब्रोंकस में भी यही है, ठीक है, इनकी हिस्टोलॉजी सेम है। क्या होता है, इनकी एपिथीलियम, एपिथीलियम इज सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये देख रहे हैं, इट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड, इट इज सूडो, ठीक है, एक ही है, एक ही सेल है जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, एक ही लेयर है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियर नीचे है, किसी भी न्यूक्लियर ऊपर है, ऐसे लग रहा है जैसे लेयर्स बनी हुई है, लेकिन लेयर है नहीं एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सिलिया भी है, सिलिएटेड, और ये क्या है, कलमनर एपिथीलियम, सूडो, ये हमारी रेस्पिरेटरी चैनल की मेन एपिथीलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथीलियम, जिसके अंदर फिर ये ड्रॉपलेट सेल्स होते हैं। अच्छा, साथ में ये जो मेन ब्रोंकस या ट्रेकिया और ब्रोंकस जो होते हैं, मेन जो चैनल्स है, दे आल्सो कंटेन कार्टिलेज, ठीक है, उनके अंदर हाइलिन कार्टिलेज भी होती है और स्मूथ मसल भी होती है। अब ये हाइलिन कार्टिलेज आगे खत्म हो जाएगी, आगे नहीं रहेंगी, ये जो मेन चैनल्स है ट्रेकिया ब्रोंकस, इन्हीं के अंदर ये कार्टिलेज होती है, उसके बाद ये कार्टिलेज नहीं होती। सेकेंडली, इनके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उसका ट्यूब का साइज छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे स्मूथ मसल भी कम होते जाएंगे। अच्छा, और साथ साथ उनकी एपिथीलियम भी चेंज होती जाएगी। अब जो ब्रोंक्यूल है उसमें आप देख रहे हैं, उसमें उसी तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथीलियम है, लेकिन जो ड्रॉपलेट सेल्स है वो कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अब ये क्यूबॉइडल रह रही है, इट इज नॉट, सॉरी, कलमनर रह रही है, इट इज नॉट सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट सिंपल कलमनर, ठीक है, ये चेंज होती जा रही है इनटू सिंपल कलमनर, और इसके ऊपर सीलिया भी है। एंड इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हम देख रहे हैं कि दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम, मोस्टली सीलिया भी कम हो गया है, मोस्टली इट इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। अच्छा, नाउ वी कम टू द एल्वियोलाय। अब एल्वियोलाय में आप देख रहे हैं, दिस इज, ये फ्लैटेंड एपिथेलियम है, जो कि क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। सो दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, और कहीं कहीं ये कुछ सेल पड़े हैं, ये हम इसको देख लेते हैं, ये दूसरे सेल्स कौन से हैं, मेनली दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है या ये जो स्क्वेमस सेल है, इनको हम कहते हैं टाइप वन न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स टाइप वन। ये हम एल्वियोलाय का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द एल्वियोलाय एंड दिस इज द प्लेस वेयर, जैसे मैंने पहले बताया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हैपेंस। ये हम देख रहे हैं कि दिस इज The alveolar structure, ये उसका टाइप वन न्यूमोसाइट्स, मेनली जो एपिथिलियम है एल्वियोलाई की, दिस इज स्केमस, स्केमस एपिथिलियम या फ्लैटेंड एपिथिलियम जिसको बोलते हैं। दिस इज दी सेल्स आर नोन एज टाइप वन न्यूमोसाइट्स, और इनके अंदर एक बड़ा सा सेल जो आप देख रहे थे पीछे पड़ा हुआ है, दैट इज टाइप टू न्यूमोसाइट, ठीक है, ये लार्ज होता है, ग्लोबुलर होता है, और करता क्या है, इट प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट। अच्छा, अब इसका क्या काम है, आपने ये सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी यही चल रही है, ठीक है, अभी ये फिजियोलॉजिकल कि ये सर्फेक्टेंट जो प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है टू मेंटेन द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाय, ये आपने फिजियो में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस टेंशन एल्वियोलाय में मेंटेन करने से क्या होगा, इससे होगा ये कि एल्वियोलाय क्लैप्स नहीं होंगे, यानी एल्वियोलाय आपस में जुड़ नहीं जाएंगे। मसलन जब आपने इनहेल किया, जब आप एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, तब तो एल्वियोलाय फैल गए, समझ आ रही है कि एयर अंदर जाएगी और एल्वियोलाय को एक्सपेंड कर देगी, लेकिन जब आप एयर बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जब एयर बाहर निकल रही है तो एल्वियोलाय कंप्रेस हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, वो इतने ना सिकुड़ जाए कि वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, जुड़ जाए आपस में एक दूसरे के साथ,
ठीक है। तो इसका काम जो जो सर्फेक्टेंट है इसका काम यही होता है कि ना तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंड होने देना एल्वियोलाई को और ना ही क्लैप्स होने देना, इसका ये काम होता है। और दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइप टू निमोसाइट, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है एल्वियोलाई में, मैक्रोफेजेस वगैरह ये पड़े होते हैं, और ये एल्वियोलाई के बिल्कुल साथ कैपिलरीज रन हो रही होती हैं। आप अगर इफ यू कैन रीड ऑल द एनाटॉमी ऑफ द लंग, आपने देखा होगा कि जो एल्वियोलाई हैं उसके बाहर बिल्कुल पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, उनका चैनल होता है, और वहां उसका मकसद क्या होता है, वहां पर एक्सचेंज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। मैं डिटेल फिजियोलॉजी में नहीं जा रहा, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कहा कि आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकाई। लंग्स हमें पता है दो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, राइट वाला उसमें थ्री लोब्स है, लेफ्ट वाला उसमें टू लोब्स है। आगे उसकी डिटेल एनाटॉमी आप पढ़ लें, जरूरत नहीं है, लेकिन एनी हाउ जो उसके कंडक्टिंग चैनल्स हैं यानी एयर वे है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेकिया, ट्रेकिया मेन है, उसके बाद ब्रोंकस, ये आपके सामने है मेन। अब ये ब्रोंकस आगे फर्दर दो मेन ब्रोंकाई में या मेन ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और फिर ये लेफ्ट एंड राइट आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज में छोटे होते जाते हैं, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। और फिर एट द एंड इट बिकम्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, जो बिल्कुल छोटा होता है और वो बिल्कुल उसके साथ पड़ा होता है, उसके बाद होता है एल्वियोलाई, ठीक है। दिस इज द एल्वियोलाई, और ये वो एरिया है जहां पे एक्सचेंज हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ये आप दोबारा मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वही सारा छोटा होता जा रहा है साइज ब्रोंकाई का, और एट द एंड इट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड द एल्वियोलाई। बाकी नोज से शुरू होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इन सारे चैनल का काम सिर्फ और सिर्फ एयर को अंदर लेके जाना और कुछ भी नहीं, ठीक है। जबकि जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का या गैसेस का, वो होता है एट दिस एरिया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलर सैक, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। अच्छा, हिस्टोलॉजी मैंने बताया कि जो ट्रेकिया ब्रोंकाई जो मेन है उनकी हिस्टोलॉजी क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड क्लमनर, साथ में टॉबलेट सेल्स पड़े हैं, प्लस उसमें क्या है स्मूथ मसल है, प्लस क्या है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि आगे छोटे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती, ठीक है। और इसी तरह बाकी जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे स्मूथ मसल भी कम होना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे एपिथीलियम भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, सूडो से फिर एट द एंड वो सिंपल क्लमनर हो जाएगी, ठीक है। और फिर एल्वियोलाई में आके वो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैटेंड, जिसको हम स्केमस कहते हैं, ठीक है। तो मेनली एल्वियोलाई इज लाइन बाय स्केमस एपिथेलियम, और कहीं कहीं टाइप टू निमोसाइट्स बड़े होते हैं, ठीक है। ये निमोसाइट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, और इनका काम क्या होता है कि क्लैप्स नहीं होने देना एल्वियोलाई को। अगर एल्वियोलाई क्लैप्स हो गया तो क्या होगा, एयर का एक्सचेंज नहीं होगा और फिर मसले शुरू हो जाएंगे, और उसी की फिर डिजीज होती है, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने सिंपल आपको एक आइडिया दिया एनाटॉमी का, अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं डिजीजेस का। जो लंग्स की डिजीजेस हैं, बिनाइन, मोस्टली जो बिनाइन डिजीजेस हैं लंग्स की, उसको हम दो कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया हुआ, एक ऑब्स्ट्रक्टिव है और दूसरा रेस्ट्रिक्टिव। यानी कुछ वो डिजीजेस है जो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न देंगे, और फिर आगे फिर जब हमें पता चलता है कि पेशेंट हैज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न या ऑब्स्ट्रक्टिव इशू है, तो फिर हम उसको आगे फिर फर्दर उसको प्रोब करते हैं, एंड फाइनली वी रीच टू द फाइनल डायग्नोसिस। यानी कि वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है दैट इज ड्यू टू विच डिजीज, वो मल्टीपल डिजीज हो सकती है, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्लाइड में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, एस्थमा, मल्टीपल डिजीज हो सकती है। अच्छा, इसी तरह कुछ डिजीज हैं जिस जो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न देती हैं, जब पेशेंट आता है हम उसे प्रोब करते हैं एंड वी कम टू नो दैट ही सफरिंग फ्रॉम सम रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, तो फिर हम उसे प्रोब करते हैं कि ये रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ड्यू टू विच डिजीज, ठीक है। और फिर नैरो डाउन करके हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। जैसे अब आज डिटेल में मैं बाद में जाता हूँ, अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव
इसका मकसद क्या है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं। दिस इज द रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट, ये आप फिजियो में पढ़ के आए, स्पायरोमेट्री बोलते हैं इसे, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट। अच्छा, अब इसको पहले समझ लें, फिर हम आएंगे इस बात पे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है क्या और हमें इससे क्या पता चल रहा है। अब आपने फिजियो में पढ़ा, आपने पढ़ा होगा फिजियो में ये रेस्पिरेटरी फंक्शन स्पायरोमेट्री, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपके सामने है। हम जो नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, जैसे मैं इस टाइम सांस ले रहा हूं, आप भी ले रहे हैं, वो जो नॉर्मल पैटर्न है इनहेल का या एक्सहेल करने का, मैं अगर इनहेल करता हूं नॉर्मल दैट इज माय टाइडल वॉल्यूम, या एक्सहेल करता हूं दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अगर मैं इनहेल करता हूं दैट इज टाइडल वॉल्यूम, लेकिन मैं उससे ज्यादा भी इनहेल कर सकता हूं, उससे ज्यादा भी इनहेल कर सकता हूं, वो मेरा रिजर्व वॉल्यूम है इनहेलेशन का, ठीक है, वो रिजर्व वॉल्यूम है। मैं अभी नॉर्मली एक सांस ले रहा हूं दैट इज माय टाइडल वॉल्यूम, लेकिन मैं इससे ज्यादा सांस अंदर खींच सकता हूं, वो मेरा रिजर्व वॉल्यूम है, मैं जब मर्जी खींच लूं, ठीक। तो दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप उसे रिजर्व वॉल्यूम कह लें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह लें। अच्छा, अब मैं जो नॉर्मल एक्सहेल कर रहा हूं दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, अगेन वही दोबारा उसी में बात आ गई, टाइडल वॉल्यूम, लेकिन मैं इससे ज्यादा एक्सहेल कर सकता हूं, उससे ज्यादा भी एक्सहेल कर सकता हूं, दैट इज माई रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब है कि मेरे लंग्स के अंदर कुछ एयर वैसे मेरे जो टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा मौजूद होती है, पहले से भरी होती है लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, वो रिजर्व वॉल्यूम है। यहां तक समझ आ गई मैं क्या बता रहा हूं, ये तीन चीजें इसमें फोकस करें, बाकी हम बाद में देखते हैं। पहली बात, मैं जो नॉर्मली इंस्पायर कर रहा हूं या आप जो नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, वो है टाइडल वॉल्यूम, उसे टाइडल वॉल्यूम कह ले, वॉल्यूम कह ले, वो टाइडल वॉल्यूम है। उससे ज्यादा भी आप अंदर एयर को ले जा सकते हैं, वो आपका रिजर्व वॉल्यूम है, और उससे ज्यादा आप एयर निकाल भी सकते हैं, वो भी रिजर्व वॉल्यूम है। नॉर्मल से ज्यादा जो भी होगा वो रिजर्व वॉल्यूम है, तो उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर लें तो ये हमारी वाइटल कैपेसिटी, यानी जो मैं नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहा हूं और उससे ज्यादा जितना मैं इनहेल कर सकता हूं या ज्यादा जितना मैं एक्सहेल कर सकता हूं, उन तीनों को कंबाइन कर लें तो दैट इज माई वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, अब यहां पे एक बात आपको बताऊं, आप जितना भी एक्सहेल करेंगे, जितना भी आप एक्सहेल करेंगे, उसके बावजूद आपके लंग्स के अंदर एयर मौजूद होगी। अगर आप मैक्सिमम एक्सपायर भी कर लें तब भी आपके लंग्स के अंदर एयर मौजूद होगी, दैट इज द रेजिजुअल वॉल्यूम, ठीक हो गया, दिस इज द रेजिजुअल वॉल्यूम, यानी उसके बावजूद जो एयर आपके अंदर लंग में रह गई है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। एक है टाइडल वॉल्यूम, आपने नॉर्मली जो एक्सहेल किया दैट इज टाइडल वॉल्यूम, उससे ज्यादा आप एक्सहेल कर सकते हैं दैट इज रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो ज्यादा एक्सहेल करने के बावजूद आपके लंग्स के अंदर जो एयर बच गई है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, अब बाकी सारी चीजें इन्हीं के ऊपर स्टैंड करती हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या है ये आप देख लें, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ मिला दें तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है, सब कुछ मिला दें। लेकिन अगर आप सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दें, बाकी सब कुछ मिला लें, तो वो वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। और टोटल कैपेसिटी क्या है? एवरीथिंग, सब कुछ, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। दोबारा, टाइडल वॉल्यूम, हम जो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम, जितना मैं इनहेल कर रहा हूं इससे ज्यादा भी मैं इनहेल कर सकता हूं। ये देखें,
ये मैं बहुत ज्यादा इनहेल कर गया, दिस इज, ये क्या था, ये मेरा रिजर्व वॉल्यूम था, मैं जब मर्जी बहुत ज्यादा इनहेल कर लू, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैं जितना एक्सहेल कर रहा हूं मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूं, ठीक है, वो क्या है, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, जितना मैंने एक्सहेल कर दिया उसके बावजूद, मैं मैक्सिमम एक्सहेल कर दिया उसके बावजूद मेरे लंग में कुछ एयर मौजूद है, दैट इज रेजिजुअल वॉल्यूम, रेजिजुअल वॉल्यूम। समझ आ गई? अगर हम रेजिजुअल वॉल्यूम को छोड़ दें और बाकी सारी चीजों को कंबाइन कर दें तो वो वाइटल कैपेसिटी है। अगर मैं रेजिजुअल वॉल्यूम को भी शामिल कर लूं उसमें, सब कुछ को, हर चीज को शामिल कर लूं, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूं, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं फिजियोलॉजिकल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसका रोल क्या है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न या रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, ये क्या होता है। पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजनी, यानी वो बताता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। अब आपने प्रोब करना है कि सांस क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अब आप उससे पूछोगे कि भाई आपको ज्यादा मसला कब होता है, इनहेल करने पे या एक्सहेल करने पे। अगर उसे मसला है इनहेल करने पे तो ये रेस्ट्रिक्टिव इशू है, अगर मसला है एक्सहेल करने में तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव इशू है, ऑब्स्ट्रक्टिव इशू है। लेकिन ये इतना क्लियर कट नहीं होता, पेशेंट आपको क्लियरली इतना बता नहीं सकता, ये मैं जस्ट आपको आपको इजी करने के लिए आपको समझा रहा हूं कि अगर अंदर सांस अंदर ले जाने में मसला है तो दैट इज रेस्ट्रिक्टिव, अगर सांस बाहर निकालने में मसला है तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। अब चूंकि इतना इजीली ये अप्रिशिएट नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप स्पायरोमेट्री करवाते हैं, आप रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ये जो हम बात हो रही थी ना अभी, मैं जो आपको बता रहा था रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट, ये करवाते हैं और इससे आपको आइडिया होता है कि पेशेंट का पैटर्न कौन सा है, रेस्ट्रिक्टिव है कि ऑब्स्ट्रक्टिव। अब इस पे आते हैं, सबसे पहले तो ये निमोनिक आपने याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, ओ ओ, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, यानी बाहर निकालते हुए, सांस बाहर निकालते हुए मसला हो रहा है, और रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, यानी जब आउटफ्लो नहीं है तो फिर इनफ्लो में मसला है। अच्छा, ये निमोनिक याद रखना है, ओ ओ, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। अब ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में क्या होता है, सांस बाहर निकालते हुए मसला होता है। रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या होता है, सांस अंदर ले जाते हुए मसला होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में कैसे, ऑब्स्ट्रक्टिव में होता क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अब वो क्या ऑब्स्ट्रक्शन आती है, वो आपने जब आप डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है जो यहां आके इसको ब्लॉक कर देती है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी चैनल है जो जो इनको ब्लॉक कर देती है। अब ये आगे फर्दर डिजीज है उसमें आप देखिएगा। अच्छा, जब इसको ब्लॉक कर देती है तो क्या होता है कि बाहर एयर नहीं जा सकती। जब आप इनहेल करते हैं, इनहेल करते हुए तो एयर अंदर आ जाती है, इट इज जस्ट लाइक अ वेल्व, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुल रही है और सांस अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो फिर वो जो वेल्व है वो क्लोज हो जाता है और जो एयर है वो बाहर नहीं जा पाती, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। ठीक है, तो कुछ चीज है यहाँ पे, ये आप डिजीज जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, कुछ चीज है जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, कुछ डिजीज में इस लेवल पे कॉज करती है, कुछ में इस लेवल पे, जैसे एम्फिजीमा में इस लेवल पे कॉज भी करे, मेनली इस पे करेगी, इधर भी करेगी। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ डिजीज है उसमें, वो आप देखिएगा सीओपीडी में जो भी डिजीज है वो किस चैनल पे ब्लॉकेज कॉज कर रही है। लेकिन वट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द आउटफ्लो। अच्छा, अब जो रेस्ट्रिक्टिव है उसमें क्या है, उसमें है रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। मैं वर्ड यहां पे रेस्ट्रिक्शन यूज कर रहा हूं, ऑब्स्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं इजी करने के लिए ताकि आपको याद रहे, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ही है। अब रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसा हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव चीज नहीं पड़ी उस ब्रोंकस के अंदर या रेस्पिरेटरी चैनल के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नहीं पड़ी, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पड़ी, बल्कि कोई चीज ऐसी है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज आ गई है जो एयर को अंदर जाने नहीं दे रही, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इफ यू लुक एट दिस,
नाउ दीज आर द ब्रोंकाय, ये रेस्पिरेटरी चैनल्स हैं सारे, ठीक है, यहां से एयर अंदर आ रही है। अब ये एल्वियोलाई है आपके पास, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं एल्वियोलाई, सॉरी ये एल्वियोलाई। अच्छा, दरमियान में इनके जितने भी एल्वियोलाई हैं या जितने भी ये जो हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है, आपको पता ही है, ठीक है, इन सब के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंसिव हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं कोलेजन, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे फाइब्रोसिस, यानी फाइब्रोसिस हो जाए। अब ये फाइब्रोसिस क्या करेगी, फाइब्रोसिस उस रीजन को थिक कर देगी, उस रीजन को थिक कर देगी फाइब्रोसिस, ठीक है, कोलेजन ज्यादा हो जाना, कनेक्टिव टिश्यू का ज्यादा हो जाना, उससे क्या होगा थिकनेस बढ़ जाएगी। जब एल्वियोलाई थिक हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर क्रॉस नहीं करेगी, एयर क्रॉस नहीं करेगी, आप जब सांस अंदर लेके जाएंगे सांस जाएगा ही नहीं अंदर, एयर अंदर जाएगी नहीं, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, मतलब कि जो पीछे से जो चैनल्स हैं, जो पीछे से ब्रोंकाए हैं, उनसे एयर अंदर आ रही है इजिली, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पे जब पहुंच रही है तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है या ये जो एल्वियोलाई है बहुत ज्यादा थिक है ड्यू टू फाइब्रोसिस, लिहाजा एयर क्रॉस ही नहीं कर रही, एयर जा ही नहीं रही, सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, एड ये बात, एड ये चीज हो सकती है कि फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो है। ये आप देख रहे हैं ये पूरे लंग के अंदर फाइब्रोसिस हुई हुई है, लंग एरिया दे आर थिक, एल्वियोलाई आर थिक, लिहाजा एयर क्रॉस नहीं कर रही, लंग का अपना साइज उतना ही है, नॉर्मल है ये लंग, लेकिन उसकी जो एल्वियोलाई है वो थिक हो रही है, लिहाजा एयर अंदर नहीं आ रही, अंदर नहीं आ रही, इनहेल नहीं कर रहे, कर पा रहे, तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। अच्छा, और क्या चीज हो सकती है, आप देखें कि दिस लंग इज कवर्ड बाय प्लूरा, इसके बाहर प्लूरा पड़ा है, अब बाहर से कंप्रेशन दे दें लंग के ऊपर, मसलन बाहर से उसकी जो जो प्लूरा है, प्लूरा के अंदर एयर आ जाए, प्लूरा के अंदर ब्लड आ जाए, प्लूरा के अंदर वाटर आ जाए, उससे क्या होगा लंग के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। अब लंग में करना क्या होता है, जब आप इनहेल करते हैं तो लंग एक्सपेंड करता है, ऐसे ही है, जब आप इनहेल करते हैं तो लंग एक्सपेंड करता है, लेकिन बाहर प्रेशर है क्योंकि प्लूरा इज फिल्ड बाय फ्लूइड, बाय ब्लड, बाय एयर, जो भी है, वो जो फैलने के लिए उसे स्पेस चाहिए होती है जो कि प्लूरा उसे प्रोवाइड करता है, वो स्पेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय द फ्लूइड, बाय द ब्लड, बाय द एयर, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लिहाजा वो उसे फैलने नहीं देगा, लंग एक्सपैंड नहीं हो सकेगा, जब लंग एक्सपैंड नहीं होगा तो एयर अंदर नहीं जाएगी, अनदर इशू, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, चेस्ट का ट्रामा हो गया, रिब्स ही टूट गई, जब रिब्स टूट जाएंगी या ट्रामा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें बहुत पेन हो चेस्ट, जब आप इनहेल करने लगेंगे आपकी पसलियों से जो है वो दर्द उठेगी, टीसें उठेंगी और आप इनहेल नहीं कर पाएंगे, दैट इज अनदर इशू, दिस इज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, किसी भी वजह से If there is restriction to inflow, अंदर नहीं आ रही air, that is restrictive pattern, ठीक है, कोई disease है जैसे neuromuscular disorder है जिसमें आपका diaphragm expand नहीं हो सकता, या बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो भी pressure cause कर देगा आपके lungs के ऊपर और वो expand नहीं हो सकेगा, again this is a restrictive pattern, so ये सब में हो क्या रहा है, restriction हो रही है, restrict कर रही है कोई चीज किसे, इनफ्लो को, इनफ्लो नहीं होने दे रही, सो दिस इज द आइडिया कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या है, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव में मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, उसका क्या मतलब है कि कोई चीज है जो एयर को बाहर नहीं जाने दे रही, एयर विल स्टे इनसाइड, वो बाहर नहीं निकल सकेगी, और रेस्ट्रिक्शन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, यानी एयर को अंदर नहीं आने देना, कोई चीज ऐसी है जो एयर को अंदर नहीं आने देगी। अच्छा, अब इससे होगा क्या, अब इससे इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और हम स्पायरोमीटरी में इससे कैसे कैसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न क्या कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा,
अच्छा लेट्स कम टू द रेस्ट्रिक्टिव डिजीज। हम पहले रेस्ट्रिक्टिव से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, एयर अंदर नहीं आ रही। जब एयर अंदर नहीं आएगी तो उससे क्या होगा, मेरे ये देखिए, नाउ दिस इज द टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हम इनहेल करते हैं, जो नॉर्मल इनहेल करते हैं। अब मैं जितना इनहेल कर सकता हूं, जो मेरी कैपेसिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही। मैं नॉर्मली जितना इनहेल करता हूं वो नहीं हो रहा, क्योंकि देयर इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, लिहाजा टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अच्छा प्लस फिर मेरी जो वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी जिसे मैं रिजर्व वॉल्यूम कहता हूं, कि मैं इससे ज्यादा भी इनहेल कर सकता हूं, दैट इज माय रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम है, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं एयर अंदर नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम्स कम हो गए। जब वॉल्यूम कम होंगे तो वाइटल कैपेसिटी ये भी कम हो जाएगी। समझ आ गई इस बात की? मैंने ये कहा है कि रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, अंदर एयर नहीं आती। जब एयर अंदर नहीं आएगी तो ये जितने भी वॉल्यूम है, कैपेसिटीज हैं, ये कम हो जाएंगे। एयर अंदर नहीं आ रही, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाएगा, लिहाजा वाइटल कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। एक्सपायरेटरी कुछ नहीं होगा, एक्सपायरेटरी उतना ही रहेगा। आपका एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उनको कुछ नहीं होगा। जो इंस्पायरेटरी, जो चीजें इंस्पायरेटरी पे कंप्राइज कर रही हैं, जो हमने पहले देखा है, वो सारी कम हो जाएंगी। अच्छा अब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव में हो ये रहा है कि आप एयर अंदर ले जाते हो तो कुछ भी नहीं होता, वेल्व लाइक मैकेनिज्म है, वेल्व ओपन हो जाता है, एयर अंदर चली जाती है। लेकिन जब आप एयर बाहर निकालना चाह रहे हो तो एयर बाहर नहीं जाती, एयर स्टेज इनसाइड, एयर बाहर नहीं जाती, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। अब क्या हो रहा है, एयर अंदर रह रही है तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, आपके वॉल्यूम बढ़ गए। पहले एयर अंदर नहीं थी आ रही तो आपके वॉल्यूम कम हो गए थे, अब एयर बाहर नहीं जा रही, अंदर ही रह रही है, बल्कि ज्यादा एयर जो आपने इनहेल किया वो तो अंदर आ गया, अब बाहर नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो वॉल्यूम्स हैं और जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा किस चीज की, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन में वॉल्यूम और कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो जो चीजें इनहेलेशन पे डिपेंड करती हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन में जो जो चीजें एक्सपायर होने पे, यानी कि एक्सहेल होने पे डिपेंड करती हैं, वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ज्यादा एयर अंदर रह रही है, अंदर ज्यादा रह रही है तो वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अब हम यहां पे आते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड टू फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इसकी रेशियो पे आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड। अब ये वो वॉल्यूम है, ये आप इसकी टर्मिनोलॉजी से ही आप अंदाजा हो जाएगा। फोर्स्ड यानी आपने जोर लगाया, एक्सपायरेटरी एक्सपायर करने के लिए, और जितना आपने जोर लगाया तो उसमें आपने एक सेकेंड के अंदर कितनी एयर बाहर निकाल दी। This is what it is, force expiratory volume in one second. आपने 8 second के अंदर जोर लगा के कितना air बाहर निकाली, ये है force expiratory volume in one second. अब आप जरा दोबारा calculate करें खुद, मैंने वो chart हटा दिया, अब खुद सोचें। सबसे पहले हमने कहा restrictive में क्या होगा, इस force expiratory volume in one second में restrictive में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन में देर इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। ये क्या है, ये है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी एक्सपायरेशन में, रेस्ट्रिक्शन के अंदर एक्सपायरेशन में तो कोई इशू नहीं है, बाहर जाने में तो कोई इशू नहीं है, इशू तो अंदर आने में है, एयर के अंदर आने में, बाहर जाने में तो कोई इशू नहीं है, लिहाजा बाहर जाने में कोई इशू नहीं है, लिहाजा फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड वो नॉर्मल ही रहेगा रेस्ट्रिक्टिव के अंदर, क्योंकि एयर के बाहर जाने में तो कोई इशू नहीं है, अंदर आने में इशू है। ये है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी, आप कितना निकाल रहे हो। अच्छा अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में आ जाओ। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, बाहर एयर नहीं जाने देनी, आप लगा लो जोर। तो जब आप जोर लगाओगे
नॉर्मली जितनी एयर जाती है बाहर उससे कम जाएगी, उतनी नहीं जाएगी। यानी नॉर्मली अगर आप एक लीटर निकाल रहे हो 8 सेकंड के अंदर जोर लगा के, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या होगा, आप हाफ लीटर निकालोगे, तो इससे क्या होगा, 4 सेचुरेटेड वॉल्यूम इन 1 सेकंड ये डिक्रीज हो गया। दिस इज द मेन थिंग जिससे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है। ये हमें हेल्प करता है, ये जो रेशियो है ये हमें हेल्प करती है, और उसमें से भी आपने मेनली फोकस करना है ऑन फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ये सब कुछ डिटेल में बताने का मकसद ये था कि आप इसे समझ लें, ये है क्या, ये रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या है, ये हमें कैसे हेल्प करता है, और हम कैसे अंदाजा लगाते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच पैटर्न, और जो भी पैटर्न होगा हमें पता चल जाएगा कि ये पैटर्न है, फिर उसकी डिजीज ढूंढती है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, ये रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, इट इज ड्यू टू व्हाट। ये जो इतनी मैंने आपको कॉजेज बताए दिखाई है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव की, ये इतनी कॉजेज बताई, ठीक है, हमने देखा रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है तो वो किस लिए, वो किस वजह से है, वो सारी डिजीज हम फिर नैरो डाउन करते जाते हैं अपने डायग्नोसिस। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो वो किस वजह से है, मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है आउटफ्लो, बाहर एयर नहीं जाने देनी, जब बाहर एयर नहीं जाने देनी तो एयर क्या करेगी, अंदर ही रहेगी बॉडी के अंदर, जब अंदर रहेगी तो वो जो हमारे एक्सपिरेटरी वॉल्यूम थे, हमारे जो रिजर्व वॉल्यूम थे एक्सपिरेटरी, ठीक है, और उसकी बेसिस पे जो भी कैपेसिटीज बन रही थी वो सारी बढ़ती जाएंगी, वो सब बढ़ जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी जो एक्सपिरेटरी पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब जब मैं जोर लगा रहा हूं तो हो क्या रहा है, एयर बाहर नहीं जा रही, या जा भी रही है तो कम जा रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में कम जा रही है। इसका क्या मतलब है कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड वो कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी नॉर्मल से। अच्छा, अब रेस्ट्रिक्टिव की तरफ आ जाओ, रेस्ट्रिक्टिव में बाहर निकालने में कोई इशू नहीं है, इशू है अंदर ले जाने में, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, मैं अंदर ले जाना चाह रहा हूं लेकिन अंदर नहीं जा रही, एयर अंदर नहीं जा रही, बाहर ले जाना है, बाहर ले रहा हूं 2 मिनट फौरन चली जाएगी बाहर, अंदर नहीं जा रही। अच्छा, जब एयर अंदर नहीं जा रही तो जो जो चीजें इस इनहेलेशन पे डिपेंडेंट थी, जो वॉल्यूम जो कैपेसिटी इस इनहेलेशन पे डिपेंडेंट थी, वो सब डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एयर अंदर नहीं जा रही, सो वॉल्यूम और कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन बाहर निकलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अगर मैं जोर लगा के एयर बाहर निकालना चाहूं, फोर्स एस्पिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड दैट विल स्टे इज द सेम, वो उतनी होगी जैसे नॉर्मल की होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कहीं पे किसी में वो कहता है इंक्रीज, सम वुड सेज इट विल बी इंक्रीज, सम वुड मोस्टली वुड सेज इट विल स्टे इज द सेम, वैसी रहेगी, नॉर्मली रहेगी, जैसे नॉर्मल क्या है वो वैसी ही रहेगी, फोर्स एस्पिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड इन रेस्ट्रिक्टिव डिजीज विल स्टे द सेम या इंक्रीज, बाज बुड्स कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस, और दिस विल हेल्प अस टू नैरो डाउन आवर डायग्नोसिस, और फिर हम आइडिया लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है ये किस डिजीज की वजह से हो रहा है, या ये जो रेस्ट्रिक्टिव है ये किस डिजीज की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, एंड दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अभी मैं आपको बता के आया, जो एनाटमी मैंने आपको बताई कि इसकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड लमिनर एपिथेलियम होती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी चैनल है सारे, ठीक है, नीचे आते आते टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल तक आते आते ये कौन सी हो जाती है, ये सिंपल क्लमनर हो जाती है, ठीक है, ये सिंपल क्लमनर हो जाती है, फिर एल्विओलाई में आके क्या हो जाती है, एपिथेलियम फ्लैटेंड हो जाती है, स्केमस हो जाती है, ठीक है, ये देखो टाइप 1 सेल्स हैं, टाइप 1 सेल्स, और कुछ इनमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पड़े होते हैं, इनका क्या काम होता है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना, और उनका क्या काम होता है कि वो एल्विओलाई को कोलैप्स ना होने दे, सर्फेक्टेंट का ये काम होता है। अच्छा, अब किसी वजह से टाइप 2 सेल्स डैमेज हो गए, किसी वजह से टाइप 2 सेल्स डैमेज हो गए, सर्फेक्टेंट है नहीं, ठीक है, कोई वजह है ऐसी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो गया, क्या डैमेज हो गया, एपिथेलियम डैमेज हो गई, नेक्रोसिस होना शुरू हो गई। अब जब नेक्रोसिस हो गई
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इन्फेक्शन हो रही है पेशेंट को बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी वजह से सेप्सिस हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, उसमें क्या हुआ कि स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। जब नेक्रोसिस हो रही तो क्या होगा, बाहर से ये जब नेक्रोसिस हो रही तो दी मेम्ब्रेन विल ओपन, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, सो फ्लूइड विल कम इनसाइड, अंदर घुस जाएगा फ्लूइड, एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड अंदर आ जाएगा और यहाँ पे एक लेयर बना देगा। अब फ्लूइड आ गया अंदर, फ्लूइड अंदर आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब फ्लूइड है, मैंने कहा था आपको फ्लूइड जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, एक्सपेंड नहीं होने देगा, वो बाहर से प्रेशर लगा देगा, आपके लंग ने एक्सपेंड करना है, उसको एक्सपेंड नहीं होने देगा, ये मैं सिंपली आपको समझा रहा हूं, एक्सपेंड नहीं होने देगा, तो ये क्या है, दिस इज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, ठीक है, एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टिव डिजीज, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इट इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव डिजीज। अच्छा, ये बच्चों में भी होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, बच्चों में इसे न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, अडल्ट में इसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, होता क्या है, होता ये है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी अडल्ट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई हैं ये डैमेज हो जाते हैं, इनकी नेक्रोसिस हो जाती है, जब नेक्रोसिस होगी तो नेक्रोटिक सेल्स या इन्फ्लेमेटरी सेल्स अंदर घुस जाएंगे और साथ में एडिमा कॉज करेंगे, एडिमा यानी कि वहां पे वाटर आ जाएगा, वाटर क्या करेगा, एल्वियोलाई को एक्सपेंड नहीं होने देगा, जब आप इनहेल करेंगे एक्सपेंड नहीं होगा, लिहाजा दिस इज व्हाट, दिस इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, आपका एयर नहीं अंदर आने दे रहा, ये एयर तब अंदर आएगी ना जब एल्वियोलाई एक्सपेंड होंगे, एल्वियोलाई तब एक्सपेंड होंगे जब उनके पास स्पेस होगी, उनके पास स्पेस ही नहीं है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड, सो एल्वियोलाई विल नॉट एक्सपेंड, दिस इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, ये होता है अडल्ट के अंदर। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जिसे हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो सर्फेक्टेंट है वो प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि टाइप टू सेल्स डैमेज हुए होते हैं या होते ही नहीं, कॉन्जेनिटली एबसेंट होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, लिहाजा सर्फेक्टेंट नहीं होगा, जब सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो एल्वियोलाई क्या करेंगे, दे विल कोलैप्स, जुड़ जाएंगे आपस में। अब आप जितना मर्जी इनहेल करने की कोशिश करें, एल्वियोलाई जुड़े हुए हैं, वो खुलेंगे नहीं, वो एक्सपेंड ही नहीं होंगे, वो रिलैक्स ही नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे तो एयर अंदर जाएगी, जब वो रिलैक्स नहीं हो रहे तो व्हाट इज दिस, दिस इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, ठीक है, ये न्यूनेटल में भी यही होता है। तो ये जो सारा आइडिया था, ये बेसिकली मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देना चाह रहा था कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें होता क्या है, और ये जो रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव ये जो हम बातें करते रहते हैं इनका मकसद क्या है। तो मैंने पहले आपको एनाटॉमी बताई कि एनाटॉमी में क्या है, वही लंग्स हैं और ब्रोंकाई हैं, और वो जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आप, वो उनका साइज छोटा होता जाएगा और वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हिस्टोलॉजिकली भी बताया कि उनकी एपिथेलियम चेंज होती जाएगी, ड्रॉपलेट सेल्स कम होते जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो एपिथेलियम सुडोसिलिकेट सिलिकेट कोलमनर से स्टार्ट हुई वो एंड पे सिंपल कोलमनर रह गई। फिर मैंने बताया कि जो बड़े होते हैं ब्रोंकस या ट्रेकिया, इनके अंदर कार्टिलेज होती है, नीचे कोई नहीं होती। अच्छा, फिर इनके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, जो जो आगे बढ़ते जाएंगे स्मूथ मसल कम होते जाएंगे, एल्वियोलाई में आके यही एपिथेलियम स्क्वैमस हो जाएगी। और फिर मैंने बताया कि एल्वियोलाई के अंदर टाइप टू निमोसाइट होते हैं, जिनका काम होता है कि एल्वियोलाई को ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने देना ना ही प्लैप्स होने देना। ये कौन से होते हैं, दे आर टाइप टू निमोसाइट, और ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितनी भी डिजीज हैं, ये हमने जो लंग्स की डिजीज हैं इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रक्टिव। होता क्या है, पेशेंट कम्स टू यू विद डिज़निया, कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा, आप कहते हो, आप उससे पूछते हो कि अंदर ले जाने में मसला है कि बाहर, सांस अंदर ले जाने में मसला है तो दिस इज रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टिव टू इनफ्लो, बाहर ले जाने में मसला है तो ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, ठीक है, ये निमोनिक है, आपने याद रखना। अच्छा, अगर वो कहता है, लेकिन ये कोई इतना क्लियर कट नहीं होता, मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्पायरोमेट्री की, आपको रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंस्पायर वो करता है और उसे कोई इशू नहीं आता, लेकिन एक्सपायर करने पे इशू आता है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। अब ऑब्स्ट्रक्शन में हो क्या रहा है,
एयर अंदर रह रही है, बाहर नहीं जा रही। जब अंदर रह रही है तो अंदर वाले जितने भी एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है और जो उसकी उस पर डिपेंडेंट कैपेसिटीज है वो बढ़ जाएंगी। रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, एयर अंदर नहीं आ रही, इनहेल नहीं हो रही, तो इनहेल के ऊपर जो डिपेंडेंट वॉल्यूम और कैपेसिटीज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, अब दोबारा इस पे आए, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड वो क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि बाहर एयर जा नहीं पा रही। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता क्योंकि एयर उसमें इजिली जाती है बाहर, उसमें तो मसला अंदर आने में बाहर जाने में नहीं है, लिहाजा वो सेम रहेगा। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में ये वैल्यू डिक्रीज होगी, जब ये डिक्रीज होगी तो वो रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाई, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड ओवर फोर्स पार्टिकल कैपेसिटी, ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है कि रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव की अपनी कॉजेज हैं, रेस्ट्रिक्टिव की अपनी कॉजेज हैं, वो आगे आप देख लेंगे कौन कौन सी डिजीज में क्या क्या होता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दी थी, ARDS या न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम, इनमें क्या होता है, अडल्ट में ARDS होता है, जैसे उसमें सेप्सिस हो गया, सेप्सिस में क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगी, वो क्या करेगी, इसको डैमेज कर देगी एल्विलाई को, उससे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी, अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स घुस जाएंगे, एडिमा हो जाएगा, वाटर घुस जाएगा, वो वाटर क्या करेगा, वो फिर उस एल्विलाई को एक्सपेंड नहीं होने देगा, दिस इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, ठीक है। अच्छा, न्यूनेटल में क्या होगा कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कंजेनिटली देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ टाइप 2 निमोसाइट, टाइप 2 निमोसाइट नहीं है तो सर्फेक्टेंट नहीं है, सर्फेक्टेंट नहीं है तो एल्विलाई कोलैप्स कर जाएंगे, जुड़े होंगे ऐसे, आप एयर अंदर ले जाने की कोशिश करोगे लेकिन एल्विलाई खुलेंगे नहीं, वो जुड़े रहेंगे, लिहाजा दिस इज रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो एंड दिस इज अ रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Thank you. उस टाइम बता रहे शायद वो सिग्नल का थोड़ा सा वीक नहीं होना, बंद तो नहीं हुआ था, नहीं बंद नहीं हुआ था।